अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल ने सारे दे? खैर खरीत थे? तबीयत से ठीक है? थे बावियो, बड़े टाइम बाद। इस दफ़ा थोड़ा जहा लेट हो गया क्योंकि एग्ज़ाम ने आ रहे ने कल है, तो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि दो दो पेपर इकट्ठे ने। ते लेकिन आज एक एक्टिविटी है, वो वास्ते वी ए विशेस कैंपस चले हैं, तो कैंपस दिखावे। ते ये वीडियो एंड तक वेखो, हाले तक द बेस्ट व्लॉग होएगा, पक्का पक्का बेस्ट व्लॉग होएगा। जितना हो सकता शेयर करो, सब्सक्राइब लाजमी कराओ यार। आवाम को की हिसाब है? लगा पे मैं मेहनत कर रहे हैं, तुसी रिस्पॉन्स ही नहीं है। ते वीडियो देखो, यकीन मानो पूरी। अस्सलामु अलैकुम। फिर से लो जी, नीचे उतर आए हैं और इसका ये हिसाब है कि ये कैंपस जो है ना दूर है, तकरीबन तकरीबन 2 घंटे का ट्रैवल है तो वैसे 40 समथिंग किलोमीटर है, पर हम वही स्टूडेंट मेट्रो एंड ऑल दैट तो टाइम लगता है। खैर निकल गए हैं अभी, 8:30 हो रहे हैं और अभी तक सूरज सही से नहीं निकला है यहाँ पे, तो क्या आपको दिखाते हैं, ये चेक करें। अभी मेट्रो लेंगे, ऐमान का स्टेशन आता है रास्ते में, उसको उठाएंगे, फिर जो है जो अल्लाह वाला करे वहाँ से आगे आपको रास्ता भी दिखाएंगे और कैंपस भी चेक कराएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कल पेपर है और आज इन्होंने हमें एक्टिविटी के लिए वहाँ बुलाया हुआ है, और मतलब इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह की अखबारी थोड़ी कराते रहते हैं, पर मजबूरी है, करना पड़ता है, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे अब जाने में लगेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो इसी बहाने आप लोगों को भी थोड़ा घुमाए फिराएं। तो सब्सक्राइब। अच्छा जी, मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। ईमान भाई का एक स्टॉप के बाद अगला स्टॉप उसका आता है, उसने कहा कि मेरा वेट करी इकट्ठे जाएंगे। अभी यहाँ पे अपनी ट्रेन का भी वेट कर रहा हूँ, वो नीचे ट्रेन आई है, भागो 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 भागो। भाई आ गए ने, साढ़े बच बॉर्डर पाया है इन्होंने, ठीक है। ईमान भाई ले, मैं नाश्ता लेके आया, देखो अरे दे लो ईमान भाई, मीठा मीठा। अच्छा ये अभी तक सो रहा है क्योंकि हम लोग इतनी सुबह उठते नहीं हैं ना, इतनी सुबह जाते हैं, हमारी क्लास होती है 9:30 उठे, यूनिवर्सिटी चले गए 10:30। अब भाई को आज उठना पड़ा 6:30 बजे, सो रहा है अभी तक, कह रहा अलार्म बज रहा है और मैं सो रहा था। इधर यही बात है, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, क्योंकि अभी स्टेशन चेंज करना है और मैं ईमान भाई गुम हो गया। तो जी हमारा ट्रेन का दूसरा और आखिरी स्टॉप, ठीक है, ट्रेन मानो बेस्ट स्टेशन अभी हमारे पूरे सफर का। ये समझ लो वो जो लंदन वाला है ना, उसको कट करता है अगर मैं ट्रेन ना ना ले, वो बस ना ना पकड़नी होती भी फौरन, तो मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाता, लेकिन ऑलरेडी मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने अब ट्रांजिशन मार लिया, ठीक है, अभी हम ट्रेन से बस वाले स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इतना चलना करना नहीं पड़ता, ये फ़ायदा है बस। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हर जगह बागम रोड है भाई, यहाँ पे स्पीड मारो अगर बसें और ट्रेनें पकड़नी है तो। भाई बस से बैठ गए हैं, उठ रही है, नए हिसाब है, एक ट्रेन तो दूसरी ट्रेन से, तो दूसरी ट्रेन तो उठ पास थे, समझ लो घंटे का सफ़र कर लिया, हम घंटे का सफ़र करना है और पावे आराम ना रखी सो जाइए, फिर होएगा असल मगा शुरू। VIP कैंपस ये वेखन वाला, साढ़े वाला तो कुछ भी नहीं है, साढ़े वाला तो पढ़ाई वास्ते। मैंने कहा बस में कितने वो नज़ारे दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़े बहुत दिखा दूँ क्योंकि आज किस्मत धूप निकल गई है, यही भी मौसम है, बाकी उधर जा गया। अच्छा जी हूँ खैर खरीत ना इतने पहुँच गया, तो भाई इतने का तो उतने का मौसम तो साफ ही अलग है। वेखो जी ये वेखो, इनू कहते हैं कैंपस, साढ़ा की कैंपस होया, ओहो ते गर्मी है भाई, इतने गर्मी नहीं है लेकिन जबरदस्त मौसम।
कैसा